बात पे लाइक बनता है, देखते हैं मरता है तो। ओ भाई ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, इसी बात पे लाइक बनता है भाइयों। ये दोस्त लोग भी देखो लाइक दे रहे, ये लोग भी लाइक दे रहे, क्योंकि इसको लगा कि इसने गाड़ी में कैसे मार दिया। गाइज आप सबके लिए एक चैलेंज है, बहुत सारे लोग फ्री फायर काफी दिन से खेल रहे हैं और फ्री फायर लवर भी है, तो उन सभी के लिए एक चैलेंज है कि फ्री फायर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गन यूज होती है, कमेंट करके बताओ। सभी के सभी लोग कमेंट करो, आपको कौन सी गन सबसे ज्यादा यूज मतलब यूज में आने वाली लगती है, कौन सी गन सबसे ज्यादा फ्री फायर के प्लेयर यूज करते हैं, कमेंट करो। और अगर आपको इसका एक चीज बताना चाहता हूँ कि होता ये है कि सबके टीममेट्स ऐसे होते हैं कि लाइक अगर कोई चार बंदे खेल रहे हैं तो तीन बंदे मर जाते हैं तो एक बंदा बचता है, तो उसको जो तीन बंदे होते हैं पीछे से उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक बंदे को भाई तू भुया कर पाएगा, मोटिवेट करते हैं। बट हमारे टीममेट्स भाई अलग ही लेवल के हैं, मतलब प्रो इतने कि वो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं, वो बोलते तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नूबड़ा है, कई बार तो बोट्स तक बोल देते कि हम बोट्स, ऐसा भी बोल देते। तो इन लोगों को क्या किया जाए भाई, ऐसे में तुम अगर हमें डीमोटिवेट करोगे तो तुम्हें हम भुया कैसे दिलाएंगे। और अगर हमने भुया उस गेम के अंदर सोलो रह के दिला दिया सोलो वर्सेस कोड में, तो ये लोग बोलेंगे कि सामने वाले सभी प्लेयर बोट से इसलिए तूने भुया दिलवाया, तो सालो तुम लोग मरे क्यों। इसी बात पे वीडियो को लाइक मारो, और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। तो भाई लोग अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। क्या आप लोग जानते हो फ्री फायर के अंदर टॉप 5 गन्स कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, जो पहले नंबर पे गन आती है लॉन्ग रेंज के लिए वो है XM8, सेकंड नंबर पे आती है स्कार, और थर्ड नंबर पे आती है M4A1, जिसके जरिए आप लॉन्ग रेंज में एनिमी को आराम से मार सकते हो। AK-47 एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगर उसके अंदर ग्रिप वगैरह होगा तभी आप अच्छी तरीके से उससे प्ले कर सकते हो। मतलब जो मैंने तीन गन पहले बताई, XM8, स्कार और M4A1, जो लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गन है, आपसे एनिमी बहुत ज्यादा दूर है तो आप इन तीन गनों के साथ खेल सकते हो। अभी बारी आती है और दो गनों के बारे में, जो दो गन बची है वो होगी शॉर्ट रेंज के लिए। तो हम शॉर्ट रेंज के अंदर कौन सी गन का यूज कर सकते हैं? तो शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो MP40 और दो गोली वाला शॉटगन। तो दो गोली वाला शॉटगन अभी नया नया आया है, उसका नाम कुछ ऐसा है M1887। जो दो गोली वाला शॉटगन है वो बहुत ही बेहतरीन गन है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, या तो M4 जो अपना MP40 है उसके साथ जा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। हर एक चीज भूल रहा हूँ, अरे आ गया चिमकांडी नीचे, ये तो गई, ये लड़की तो गई, रुक जा चाची, ओ चाची दो मिनट रुक, ये तो गई काम से, कितना भी भाग ले ये बाहर निकल। अरे वाह, सरप्राइज देने वाली थी हमको, क्या बात है यार। मारना एक बंदे को और कुछ नहीं करना, अरे हेडशॉट, अरे यार भाई हद हो गई यार, ऐसा मत करो यार। चलो अमित, अरे एक बंदे को मार देता हूँ और बाकी को एक को भुया दे देते, ओके आ जा जोंटी भाई, आ जा भैया छोड़ो। तो भाई और बहनों अगर आपको वीडियो, अरे रे 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 रे, उसने रिवाइव कर दिया यार, पीछे से मारा, पीछे से मेरे ग्लू डाल दिया, मेरा हेलमेट गया रे, उसको डाउन भी किया यार, बट बात नहीं बनी, छोड़ो यार। अरे रे शॉटगन मार दिया। यही था वो मारे, आज तो तुम गया बेटा, चल मार। तो मिलने वाला है, आ जा भाई आ जा, और क्या, ये करके आ रहा है, और ये भाई बीच में आ गया है बंदा, लिटरली मैं इसको मारना नहीं चाहता था, बीच में आ गया यार, सच में बीच में आ गया, तुम देखो बीच में आ गया यार, उसके लिए उसकी मुंडी फूट गई, क्योंकि मैंने उसके ऊपर नीचे वाले बंदे के ऊपर एम किया था भाई साहब। रियली सॉरी मेरे भाई, रियली सॉरी यार, वाले हमारे यार सो जाते हमें मिलने वाले बंदे यार, सो जा मेरे भाई सो जा, ये मतलब मारने वाला बंदा है, पक्का है मारेगा मेरे को। अमित भाई मानो या ना मानो, ये ना मारेगा ही मारेगा हमें, इसको सॉरी बोलने का एक इमोट होता ना तो अच्छा होता यार। ये देखो मैं सो के दिखा रहा हूँ, ऐसे करना।